नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। कल यानी 30 मई को जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में दोबारा पीएम पद की शपथ ले रहे होंगे, उसी समय मुंबई में आजाद मैदान के पास इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा होगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस नारे के साथ होने वाले इस प्रदर्शन की अगुवाई रिटायर जस्टिस कोलसेब पाटिल करेंगे। इसके अलावा तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और पत्रकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन के बैनर तले शुरू हुए इस अभियान के लोगों का कहना है कि वो देश में कोई भी चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं। इस सिलसिले में इन लोगों ने एक पर्चा भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हाल के लोकसभा चुनाव नतीजों ने पूरे राष्ट्र को सकते में डाल दिया है। इनका कहना है कि उन्हें पहले ही इस बात का विश्वास था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अब मौजूदा नतीजों और उसमें आई संभावना से ज्यादा सीटों ने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के संबंध में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो उसमें डाले गए मतों और उसके बाद उनकी गिनती में भारी अंतर है। मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों पर भी यही हाल है। उनका कहना है कि यही बात इसको साबित करने के लिए काफी है कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ है और मौजूदा चुनाव नतीजों पर किसी भी रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। पर्चे में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी पूरे देश से इस तरह की रिपोर्ट आई है। मतगणना से ठीक पहले ईवीएम का जिस तरह से इधर उधर आना जाना शुरू था, उससे भी चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पहले चरण से ही पूरा मीडिया कह रहा था कि एनडीए को कम से कम 140 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। आबादी का 50% हिस्सा जो कृषि पर निर्भर है, वह पूरी तरह से हताश था और माना जा रहा था कि वह उसका गुस्सा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान के जरिए निकालेगा। इसके अलावा जीएसटी से लेकर राफेल और नोटबंदी से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार घिरी हुई थी। पर्चे में आगे कहा गया है कि चुनाव नतीजों के बाद पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ था, कहीं से कोई जश्न का माहौल नहीं था। यह बताता है कि लोग बिल्कुल सदमे में थे और उन्हें नतीजों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्हें बीजेपी की जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, इसलिए उन लोगों ने इसे ईवीएम सरकार की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का रवैया बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और संदेहास्पद रहा और वह हर जगह सरकार के साथ खड़ा रहा। उनका कहना है कि सभी संस्थाओं की तरह मोदी ने चुनाव आयोग को भी चौपट कर दिया है, लिहाजा उन लोगों ने जनता की अदालत में जाने का फैसला लिया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता का उसे भरपूर समर्थन मिलेगा। उनका कहना है कि यहाँ ये बताना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक देशों ने ईवीएम को खारिज कर दिया है और वे अपने यहाँ मतदान बैलेट पेपर पर कराते हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि ईवीएम देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाना हर नागरिक का अब प्राथमिक कर्तव्य हो गया है। जस्टिस कोलसे पाटिल ने कहा कि उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है, अब बारी जनता की है। हालांकि उनका कहना था कि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि लोगों को अब बाहर आकर इसके खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करना चाहिए। लिहाजा 30 मई को ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस घोषित किया गया है और उसमें उन्होंने सभी नागरिकों, सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएन टीवी। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए एमएन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।